लग रही है मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्वास्थ्य कर्मियों की पूरी टीम है, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल से दिखा रहा हूँ। और सुबह से ही काफ़ी भीड़ है, और मैं आपको ये बता दूँ, सुबह से ही ये लोग लगे हैं। और निश्चित ही मैं इन स्वास्थ्य कर्मियों की मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मैं आपको दिखाऊँ, देखिए दूर तक आपकी नज़र जहाँ तक जाती है आपको चारों ओर भीड़ ही नज़र आ रही है। और इस समय युवराजपुर में इस समय कोविशील्ड की वैक्सीन लग रही है। मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहा हूँ, युवराजपुर में हूँ, वैक्सीन लग रही है इस समय, कोविशील्ड लग रही है। सुबह से ही काफ़ी भीड़ है, मैं आपको दिखाऊंगा। और जो लोग लगे हैं सुबह से, मैं वहाँ पर हूँ और मैंने चाहा नहीं इनसे बात करूँ। और महिलाओं की सबसे ज़्यादा भीड़ है, बहुत भीड़ है महिलाओं की और बच्चियों की, सुबह से बहुत ज़्यादा भीड़ है। वैक्सीन कम पड़ रहा है लेकिन भीड़ तो बढ़ती जा रही है, भीड़ रुकने वाली नहीं, नहीं रुकने वाली नहीं, क्योंकि लोग जागरूक हैं, वैक्सीन लगवानी है भैया, हाँ लगवानी है सबको, लगवानी। महिलाएं सबसे ज़्यादा इसमें वैक्सीन लगवा रही हैं, कितने खुश हैं कि अरे यार जैसे सहयोगी, जैसे हमारे मंटू सिंह, बिमलेश सिंह है, ये राधेश्याम सिंह जी हैं, हमारे चारी घाट के प्रधान जी, सारे लोगों ने इतना सहयोग। सरकार भी ये करेंगी, वैक्सीन आपको सुरक्षित रखेगी, इसके लिए आप चैनल से संदेश क्या देना चाहेंगे? ये वैक्सीन ऐसा है कि जो कोविड जो महामारी आई है तो वो हमारे शरीर में लड़ने की ये क्षमता एक रखेगा। और इसीलिए जो मतलब अब महिलाओं को ज़्यादा वो लगने लगा कि जो अगर लोगों को अब ये ज़्यादा जागरूकता आई है कि हमको ये वैक्सीन लगाना ज़्यादा कंपलसरी हो गया। पहले जबकि गांव की महिलाएं इतनी जागरूक नहीं थी, चीज़ है कि थोड़ा ये जो भीड़ यहाँ पे आई है उस भीड़ को देख के हम लोग को काफ़ी अच्छा भी लग रहा है कि मतलब लोग इस प्रति थोड़ा जागरूक ज़्यादा हुए हैं अभी जाकर, जबकि ये 5वां कैंप लगा हुआ है और ये हमारे भविष्य के लिए बहुत ही लाभदायक है और बहुत ही सही चीज़ है। तो इसलिए कि कोई भी हमारे जो गांव के लोग हैं तो कोई भी लोग हमारे इस वैक्सीन से वंचित ना रहें, सब लोग लगवाएं। मेरा यही कहना है कि जितने लोग हैं सब लोग लगवाएं, भाई बहन चाहे दादा दादी चाहे जो भी हैं सब लोग लगवाएं। जब गांव में जाता हूं तो मेडिकल की बात होती है, अरे यार इतना बड़ा गांव है, छोटे छोटे बहुत सारे गाँव हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ पर मेडिकल की व्यवस्था है। अगर यहाँ पर किसी को वैसा, अगर कोई किसी के घर में कोई माता गर्भवती है या कुछ ऐसे है, लोगों को रेवतीपुर जाना पड़ता है या फिर गाजीपुर जाना पड़ता है, इसके लिए कुछ ऐसा मन में है अरे यार मैंने गांव के लिए इतना किया इसको तो करना है यार कैसे भी करें? इसका प्रयास हम लोग करेंगे, पीछे भी किए थे लेकिन अभी दिल जान से लगेंगे कि यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था की जाए। इससे पहले कुत्ते भी काट लेते हैं तो दौड़ना पड़ता है गोरा बाजार रेवतीपुर, अरे यहाँ गाजीपुर नहीं तो रेवतीपुर जाना पड़ता है। और क्षेत्र आपके गांव का काफ़ी बड़ा है? बड़ा है, बड़ा, यहाँ 3 किलोमीटर के लमसम में हमारा गांव है। बवाड़े से आप जैसे आएंगे पटकनी की लास्ट सीमा तक। हाँ हाँ हाँ। कुछ ऐसी सर जरूरतें हैं जो कि गांव के लोग आज भी वंचित हैं, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे मैंने वीडियो डाले, मैं गया था, किसी को 2 मकान मिला, किसी को 3 मकान तक मिल गया है, मैंने सोशल मीडिया से भी डाला है। मगर कुछ गाँव के ऐसे लोग हैं जो वंचित हैं, जिनको मकान, पक्के मकान बनने चाहिए। आप प्रधान के साथ जुड़े हैं, प्रतिनिधि के क्या कहेंगे आप? मतलब हम लोग का प्रयास यही रहेगा कि घर घर जा करके लोगों की स्थिति देख करके और जो वास्तविक लोग हैं उनको आवास दिया जाए, जो अपात्र लोग हैं उनका विरोध किया जाए, मतलब हम लोग का प्रयास यही रहेगा कि मैं बेघर नहीं रहने दूंगा। सर थोड़ा सा आपसे, कुछ जीएस भी हैं गांव में तो कुछ ऐसा रहा कि गरीबों के लिए या फिर खेलों के लिए, सामाजिक ज़रूरतों के लिए वो हो, कुछ ऐसा है क्या दिमाग में आप उनसे क्या कहेंगे? ऐसा है कि जैसे चकबंदी नहीं आएगा, जीएस कब्जा, जैसे पहले के जो हैं कब्जा करके रखे हैं, चकबंदी के बाद ही जीएस कंफर्म हो पाएगा, इकट्ठा हो पाएगा, खेल के लिए ग्राउंड छूट सकता है और सार्वजनिक चीज़ के लिए और व्यवस्था हो सकती है। क्योंकि गांव इतना बड़ा है, खेल के नाम पे ऐसा कुछ नहीं। हाँ क्यों बोले, यहाँ वो आप खिलाड़ी रहे हैं, आप खुद जानते हैं चीज़। हाँ खेल के नाम पर कोई ग्राउंड ही नहीं है, हम लोग के गाँव में कोई ग्राउंड है ही नहीं। जो भी है प्राथमिक पाठशाला पे वॉलीबॉल चलता है, वहाँ नाथ बाबा इंटर कॉलेज पे वॉलीबॉल केवल चलता है। देखिए जहाँ तक सुविधाओं की बात है तो वो चाहे खेल के मैदान हो, खेल के मैदान कहीं भी नहीं है। ऊपर से डीएम के आदेश ये हैं कि किसी भी स्कूल में ना खेला जाए, बच्चे ना खेलें, कोई भी ओकेज़न ना हो वहाँ पे, क्योंकि वो भी अपनी जगह पे सही है कि वहाँ पे टूट फूट ना हो, नल तोड़ देना, ये बच्चे तो बच्चे हैं। तो उसके लिए हर ग्राम सभा में ये राजस्व विभाग को चाहिए कि नहीं वो वहाँ पे जाके और गांव समाज की ज़मीन है उसको वो मुक्त कराएं, ताकि वहाँ पे बच्चों को खिलाया जा सके। मेरे गाँव की जहाँ तक बात है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहते हैं चाचा स्कूलियाँ ना खुलवा, मेरे पास कोई जवाब नहीं होता उनके लिए। और वो अगर नहीं खेलेंगे तो वो कब खेलेंगे?
अगर अब नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे? खेलने कूदने की उम्र होती है एक, और हम उसके लिए वो ज़मीन नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं। उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, जो भी जीएस है जहाँ भी है, वो चाहे पूरे गाँव से और व्यक्ति व्यक्ति से लड़ना पड़े, लेकिन क्योंकि जो मुझे किरदार दिया गया है 5 साल के लिए, इसीलिए यहाँ निकालना है। आप मेरे को भला कहें बुरा कहें उसकी मुझे परवाह नहीं, मैं तो खुद आऊँगा आपके यहाँ। जी हाँ, आप ऐसे भी आते रहते हैं मेरे यहाँ, तो अभी ये पूरा प्रयास है कि नहीं वो खेल के मैदान बच्चों को दिए जाएँ, उसको घिरवा के वहाँ पे स्टेडियम बनवाया जाए, है स्कूल के कॉलेज के हैं तो उन्हीं को बनाया जाए, आखिर हमारे ही बच्चे खेलेंगे वहाँ पे ना। कोई ज़रूरत है या फिर नहीं है, मुझको ये काम है, बहुत सारे ग्राम प्रधान हैं, घर जाएंगे मिलते नहीं हैं, घर जाएंगे तो मिलते ही नहीं है। अरे यार नहीं है, गाजीपुर है या फिर ब्लॉक पे हैं। अगर आपको कोई पुकारता है कि नहीं मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राधे गोविंद जी को आवाज़ लगा रहा हूँ, क्या वो उस दरवाजे पर खड़े मिलेंगे? मैं यही ग्रामवासियों से और आप पत्रकार बंधु से यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि 27 अप्रैल को तबीयत खराब हुआ और इसके बाद चुनाव जीत हार हुआ, फिर भी मैं करीब करीब सुबह से 7 बजे से लेकर 12 बजे तक द्वार पे बैठा रहता हूँ जी। इस समय काफ़ी आप जिन्हें जो पदभार दिए हैं उस पदभार को अहंकार न करते हुए, क्योंकि बच्चों का ये आधार कार्ड बनाना, बच्चों का नाम लिखाना, इसके लिए मैं निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण मित्र प्रमाण पत्र चरित्र प्रमाण पत्र बैठकर 12 बजे तक मैं लिखता हूँ, और इसके बाद फिर घर के लोग परेशान हो जाते हैं कि तबीयत ख़राब है, वो इतने होने के बावजूद भी मेरे द्वार राम आए हुए हैं, उस तरह की भाव लेते हुए। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात मुझे याद आ रही है कि एक माता जो रात्रि में जब अपना गुहार लेकर गई थी तो उनके पास जो द्वारपाल थे उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम तक न वो शब्द को पहुंचाने की कोशिश की, और मर्यादा पुरुषोत्तम को जब पता चला तो उनको ये एहसास हुआ कि कौन माँ आई थी। जो द्वारपाल थे उन द्वारपाल को कहे कि जब तक उनको ढूंढ कर नहीं लाएंगे तब तक आप समझिए कि देश से वंचित हो जाएंगे। यही मेरा उसूल है और यही मेरा कामना आप सभी लोगों से है, प्रार्थना, कोई भी आपके द्वार से खाली न जाए, खाली यही मैं सोचता हूँ कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भूखा न जाए, ये भाव रहता है। मैं सुशील तिवारी, पहला वीडियो मैं ये ला रहा हूँ युवराजपुर से, और जितने भी गाजीपुर के ग्राम प्रधान हैं प्रतिनिधि हैं वहाँ तक मेरी आवाज़ जाएगी, मैं वो वीडियो आप तक ला रहा हूँ। मेरे वीडियो को देखिए, इनकी बातों को सुनिए, इन्होंने कहा क्या, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।